गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। देखिए जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके कुछ सिद्धांत हैं जो ये इस सिद्धांतों को लेकर चलती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप, परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या संबंध है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक के जो विभिन्न गुण हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास में क्या होता है, एक ही प्रकार का सहसंबंध आपस में रिलेशन पाया जाता है। बालक के जो जब किसी गुण में विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसके साथ ही उसी अनुपात में धीरे या थोड़ा तेज चलता है, ठीक है, लेकिन उसी अनुपात में वो होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, आईक्यू लेवल जिसका तीव्र गति से विकास हो रहा है, तीव्र बौद्धिक विकास, जैसे किसी बालकों का जो इंटेलिजेंट होते हैं उनका क्या है, जो बौद्धिक विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, और शारीरिक एवं मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन जो हमारे जिनकी आईक्यू लेवल थोड़ा डाउन होता है, जिनकी बुद्धि का विकास मंद गति से होता है, तो क्या होता है, उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास भी क्या होता है, उसी मंद गति से चलता है। तो ये विकास बताया गया है कि बच्चे में जैसे अगर बौद्धिक विकास बच्चे का ज़्यादा है तो उसी हिसाब से मोस्टली क्या होगा, फिजिकली भी होगा, अगर डाउन है तो उसी हिसाब से उसका फिजिकली भी डाउन होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेनली ऐसा ही होता है ज़्यादातर स्टेजेस में। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि बालकों के विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है, इक्वल चलता है, परंतु विकास की जो गति है वो उसमें विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अर्थात उनकी जो वृद्धि और विकास की जो भिन्नता है वो व्यक्तिगत ही होती है। सभी बालकों में जो शारीरिक व मानसिक विकास की अपनी एक स्वाभाविक ही गति होती है, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे क्या होंगे कि इक्वल वे से बढ़ रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित अवधि में सभी बालकों का विकास भी समान गति से ही हो जाए, ठीक है। वह तो इसलिए जो बालक और बालिकाओं में, जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारे बालक लड़के लड़कियां होती हैं उनका विकास भी क्या होता है, अलग अलग उनके विकास में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनका विकास जल्दी होता है, बॉयज़ का थोड़ा कम होता है, तो इसलिए इनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब हमारे जो राइटर है, अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार, विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, ठीक है, कभी किसी की तेज़ गति से होती है, कभी किसी की मंद गति से होती है, कभी किसी की समान गति से होती है, तो ये भिन्नता चलती ही रहती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी जो हेरिडिटी वंशानुक्रम है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, हमारी फिजिकली मेंटली जो हमारा विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा विकास होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि मानव विकास के जो वंशानुक्रम और वातावरण का जो योग होता है उसमें क्या है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। वंशानुक्रम में व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं वो सामने आती हैं, वो प्रखर होती हैं हमारे सामने, और वंशानुक्रम में गतियां जो प्रधान होती हैं, जो उसके तत्व होते हैं वो उसके कारण, उसके मौलिक स्वभाव के कारण जीवन चक्र में जो उसकी गति है वो भी वैसी ही चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो वातावरण है, वातावरण में वे समस्त बाह्य परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा हम उसी के अकॉर्डिंग विकास करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित
करता है। तो ये भी एक अच्छा इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू गैसेल और हरलॉक, ये क्या कहते हैं कि इनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार एक ही जाति के जीवों के जो विकास का क्रम है वो एक ही समान पाया जाता है। कैसे, देखिए उदाहरण के लिए, जैसे सभी बालकों का जन्म के बाद जब विकास चलता है, वो विकास क्या होता है, सिर से पैरों की ओर होता है, हर बच्चे का विकास जो भी। अब मान लीजिए हमारी जो जीव हैं, बालक जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनका विकास क्या होगा, पहले सिर से होगा और फिर बाद में पैरों तक होता है। ये सभी में ऐसे ही होगा। जो बालक का गत्यात्मक एवं भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में चलता है। मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, 8-9-1 साल का बच्चा बोलना सीखता है, तो मोस्टली हर बच्चा ही 1-1.25 साल में ऐसे ही वो बोलना सीखता है, तो उसी गति से बच्चे का विकास होता है सभी बच्चों का। तो इनके अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास, जो जीव, मानव जीव है, उसमें सिर से पैरों की ओर ही होगा, तो सभी बच्चों का विकास सिर से पैरों की तरफ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफाई रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया कि बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले समान अनुक्रिया होती है और बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हरलोक क्या बताया गया है, इस सिद्धांत के जो हरलोक हैं उनको प्रॉपर इसका ज्ञानदाता बताया गया है, इसके सिद्धांत के वो पूरी तरह से समर्थक थे। तो इन्होंने क्या बताया है कि जन्म के उपरांत प्रारंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक अपने सभी अंगों का प्रयोग करता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसी अनुक्रिया के लिए वो अंग विशेष का प्रयोग करता है जिसकी उसको क्या होती है, ज़रूरत होती है। मान लीजिए अभी हमें कुछ पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, पैरों से थोड़ी पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे। तो बड़े होते होते उसको पता चल जाता है कि मुझे कोई चीज़ पकड़ने के लिए अपने हाथों का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारा शारीरिक विकास की तरह ही हमारा जो संवेगात्मक विकास है वो भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो इसमें भय, प्रेम, क्रोध और जैसे संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मानव विकास के होने के पश्चात ही होती है। जो इमोशंस होते हैं हमारे, किसी चीज़ का भय, डर, अब बच्चा छोटा होता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं उसके पास सांप आ जाता है, ठीक है, तो बच्चा क्या समझेगा, उसको एक टॉय समझेगा, उसको नहीं पता कि ये हमें काट लेगा तो इससे हम मर भी सकते हैं। वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी विकास की गति बढ़ेगी, तो उसके इमोशंस, उसके संवेग, भय, डर, ये सब उसमें अपने आप ही बढ़ता जाएगा, पैदा होता जाएगा। तो उसको जब हम बड़ा हो जाएगा वो बच्चा, तो उसके पास अगर सांप आ जाता है तो वो डर जाएगा कि ये सांप मुझे काट लेगा। तो इस तरह से ये विकास होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। हाँ जी, इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है, केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत इसका नाम है। इसके अनुसार बालक के विकास का जो क्रम है वो सिर से पैरों की ओर ही होता है। अभी पीछे भी हमने पढ़ा था एक पॉइंट में, उसमें भी क्या बताया गया है, जो हमारे मानव जीव हैं उनका विकास क्या होगा, बालक का सिर से पैरों की तरफ ही होता है। व्यक्ति के सिर का विकास सर्वप्रथम होता है, फिर यह पैरों की ओर बढ़ता हुआ, अर्थात जो अंग सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास उतना ही बाद में होगा। तो बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में। यही बात बालक के अंगों पर नियंत्रण भी लागू होती है, अंगों पर भी, कि बालक जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। देखिए सबसे पहले किसको करेगा, जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है सिर को उठाने का प्रयास करता है। तो इससे भी हम क्या समझते हैं कि सिर की जो हमारी विकास है, सबसे पहले हम सिर की तरफ से डेवलपमेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे 9 महीने की आयु का जो बच्चा होता है, तो उसका वो सहारा लेकर बैठता है,
कैसे बैठता है? जब उसका सिर थोड़ा सा टिकने लग जाएगा, धीरे धीरे खिसकता रहता है, चलता रहता है, और एक वर्ष की आयु में वो क्या होता है, धीरे 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 खड़ा होना सीख जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या है कि सिद्धांत में कि हमें हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे सिर से ही स्टार्ट होती है और उसके बाद धीरे धीरे पैरों की तरफ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, सतत विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो विकास का क्रम है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता ही रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक यह विकास चलता ही रहता है। इसमें क्या होता है, बालक के जन्म के शुरुआती जो 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया होती है वो बड़ी तीव्र गति से होती है, लेकिन जो बाद में होती है वो प्रक्रिया विकास की वो थोड़ी मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। अकॉर्डिंग टू इस सिद्धांत के जो हमारे प्रबल समर्थक हैं स्किनर है, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर किसी भी व्यक्ति में जो आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, विकास एकाएक नए होकर सतत होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे दांतों का विकास भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्किनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो जन्म जो बाद में हमें दांत हमारे सामने आते हैं वो जन्म के 6 महीने के बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो स्किनर ने इस तरह से बताया है कि विकास का ये सिद्धांत इस तरह से पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है वो सीधा न होकर, जैसे रेखा हमारी सीधी चलती है, एक रेखीय आकार में न होकर पेचदार विकास होता है। कैसे होता है, देखिए जो व्यक्ति के विकास का क्रम है वो एक रेखा के रूप में सीधी रेखा, रेखा कैसी होती है, सीधी होती है, जो हम एक लाइन लगाते हैं वो कैसी होती है, सीधी। लेकिन जो व्यक्ति का विकास है वो एक सीधी रेखा के रूप में न होकर पेचदार होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। जो विकास एक सीधी रेखा में न होकर कई कड़ियों में विभक्त रहता है, जो आगे पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। जैसे अभी हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि विकास स्टार्टिंग से एकदम कहीं से सीधा आपकी होगा विकास बच्चे का, नहीं। ठीक है, एक टेढ़ी रेखा होती है जैसे, तो उसी तरह से विकास होता है। विकास के कई पहलू होते हैं तथा उनके विकसित होने की गति और प्रक्रिया भी विशिष्ट ही होती है। ठीक है, जो आगे पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है विकास, कि कभी कहीं से कभी कहीं से, ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में हमारा विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमानता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति के विकास का जो क्रम रहता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो समान रहता है, लेकिन जो उसकी गति होती है वो भिन्न होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों पर परीक्षण करके उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ जी, तो कई बार क्या होता है, बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट हैं वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की रुचि एवं व्यवहार का अनुभव कर भविष्य के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कई बार कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तो जरूर डॉक्टर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, क्यों, उसका बचपन से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके इंटेलिजेंसी से हम अनुमान लगा लेते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ओवेन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। नेक्स्ट है आपका 10th प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति का विकास एक निरंतर एवं क्रमिक रूप में चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है। इसमें विकास की कई अवस्थाओं से होकर जो विकास की जो हमारी क्रमिक प्रक्रिया है वो विकास की कई अवस्थाओं से गुजरती है, जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। विकास के सभी अवस्थाओं में क्या है, संबंध, आपस में रिलेशन पाया जाता है। फिर भी उनके लक्षणों के आधार पर उनके अलग अलग, उनके बारे में अलग अलग विकास होता है।
जैसे मान लीजिए बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था के लिए आधार प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो विकास की इस प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था के अनुभवों का विशेष महत्व होता है जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपके विकास के क्रम का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस। तो इस तरह से जो हमारे ये सिद्धांत हैं वो प्रॉपर वे से इन्हीं सिद्धांतों के बेस्ड पर आधारित हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपने विकास और जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके प्रिंसिपल्स को लेते हैं। ओके।